अभी कितने नंबर है? 0.22 है, मुझे पास कर दिया। सिलेक्टेड है? हाँ जी बिल्कुल। तो आप क्या चाहते हैं, इनका साथ देंगे? नहीं, मैं इनका साथ दूंगा। मैंने मेहनत रहे कि मेरा हो गया। कैसे कोई मित्र जिनके नंबर आए हुए हैं? 33 के 70 हो गए सर। जैसे भी सर देखिए, हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड CN02/2018 के अंतर्गत जो भर्ती करवाई गई थी ग्रुप डी, उसमें जो धांधली हुई उसके लिए जो है एप्लीकेशन देने वापस गए थे। GM साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि RRB अजमेर रेल मंत्रालय, इसके लिए आप जो एप्लीकेशन लिख के दो और हम उसके अंदर जो है कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हम एक लेटर लिख के वापस जो है GM के, यहाँ भी GM के लिए देना है और RRB अजमेर जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अजमेर उसके लिए और रेल मंत्रालय भारत सरकार वहाँ पे हमें जो है ज्ञापन देना है। और अभी हम यहाँ से एक बार जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और जो भी हम अभी जो कागजी कार्रवाई है उसको पूरा करके फिर से वापस जो है इसमें मामले को एक बार आप मांगे बता सकते हैं? देखिए हमारी जो ये मांगे हैं, आपने क्या मांगे? देखिए हमारी ये इसके अंदर मुख्य मांगे एक तो ये रखी गई है, जो CBT 1 जो परीक्षा इसके अंदर ली गई है उसके अंदर जो धांधली हुई है, धांधली आप सेंटर स्तर में इतनी हुई है कि एक सेंटर से 98 सिलेक्शन लगातार हुए, यानी एक से लेकर 98 सिलेक्शन लगातार बिहार का एक सेंटर है, जिस सेंटर पे से ये हुए हैं इसी प्रकार न जाने कितने सेंटर है। दूसरी एक चीज जो इसके अंदर रखी गई है हमारी ये कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पता नहीं किस हिसाब से किया गया है, हमें नहीं पता है कि 0.23 नंबर पे कैसे पास हो जाता है और 89 नंबर पर कैसे पास नहीं हो रहा है बच्चा। और इसके अंदर कोई भी मार्क्स मैंने आज तक नहीं देखा है कि पूर्ण जो प्राप्तांक है वो पूर्णांक से ज्यादा हो जाए, 100 में से कभी भी 115 118 इस प्रकार के नंबर नहीं आते सर। इसका हम प्रूफ आपको देंगे, इसका हम प्रूफ, एक कागज था अपने पास अभी, दूसरा हम चाहते हैं कि आप 2.5 करोड़ की जो परीक्षा हो रही है, आप ये देखिए सर, थोड़ा उधर ले लो, गेट खाली हो जाए। आप ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस बंदे का नाम है भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह नाम है, अजमेर से जो है इसने परीक्षा दी। आप ये देखिए इसके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हो गए क्या रहे, 111.0105, क्या ये 100 में से ही है ना मार्क्स? तो और इसके बावजूद इसका जो है ठीक है सिलेक्शन किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका मैं आपको दूंगा प्रूफ आपको अभी कि जिसका 0.22 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है जी, और गुवाहाटी बोर्ड से जी, और जिनके 90 नंबर आए उनका सिलेक्शन नहीं किया गया, उनका सिलेक्शन नहीं किया। हम समझ सकते हैं कि एडिटिंग से कुछ चीजें कर दी गई होंगी, पर इतनी सारी चीजें नहीं की जा सकती एडिटिंग से। हम आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे, आप चेक कर सकते हैं। नॉर्मली जो नॉर्मलाइजेशन का जो रूल है वो आप समझा सकते हैं एक बार? नॉर्मलाइजेशन का देखिए, नॉर्मलाइजेशन का रेलवे का अलग अलग तरीके से करती है हमेशा। कभी किसी बच्चे के यदि 50 नंबर आते हैं तो वो उसको बढ़ा के जो है 60-70 तक ले जाते हैं, और उसी बोर्ड के अंदर उसी टाइम पे किसी बच्चे के मार्क्स घटा के कर दिए जाते हैं। ये हमारे सिस्टम अभी तक समझ नहीं आया, क्योंकि उसी फॉर्मूले से जब हम निकालते हैं तो उसका कुछ अलग बैठता है और उसका कुछ अलग बैठता है। मुख्य मांगों की यदि हम बात करें तो CBT 1 का रिजल्ट जो है सही तरीके से ओरिजिनल कैंडिडेट को जो है जो पास हुए उनको पास करें और दोबारा घोषित करें। दूसरा, मैं नहीं चाहता हूँ कि 2.5 करोड़ जो बच्चे पास हुए आप एक परीक्षा के थ्रू कैसे करो, CBT दोबारा मांग करवाई जाए, इसकी परीक्षा जो है दोबारा करवाई जाए। दूसरी सर, एक हमारी मुख्य मांग ये कि ऐसा कब तक चलेगा कि आपने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने RBFSI की परीक्षा ली, कांस्टेबल की ली, ग्रुप डी की ली, लोको पायलट की ली, NTPC की भर्ती ली, प्राइवेट सेंटर जो है अपनी मर्जी से 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लेके बच्चों के सिलेक्शन करवाए जा रहे हैं? 200 लगेगा। क्या SSC स्कीम आपको याद नहीं है 2017 का? याद नहीं है क्या भाई आपको? याद है SSC स्कीम, जल्दी CGO को प्लस आज भी रिजल्ट अटका हुआ है, कब तक करोगे आप? सरकार कह रही है 2.5 लाख वैकेंसी दे रहे, 3 लाख वैकेंसी दे रहे, क्या 2.5-3 लाख वैकेंसी ऐसे देते रहोगे अपने मनचाहों को? ये ऐसे पर ये सारे बच्चे भ्रम में, इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हो? सारे बच्चे भ्रम में नहीं है सर, ये 2-2 साल हो जाते हैं गरीब करके बच्चे सर, सारे बच्चे गरीब है। पहली बात, एक सेंटर से एक केंद्र पर एक बच्चा निकलना नामुमकिन होता है, लेकिन 92 बच्चे लगातार निकले एक सेंटर से, पटना से एक सेंटर से, और सीरियल भाई क्या 92 बच्चे सारे इंटेलिजेंट थे, सारे एक साथ निकल गए, और 0 नंबर पे सिलेक्शन है, -0.01 पे सिलेक्शन है, 999 नंबर हमने देखे नहीं आज तक, और 999 नंबर आ रहे हैं। ये भी आया है कि पेपर है वो इतना इजी भी नहीं है, काफी टफ बना रहे हैं पेपर। बिल्कुल 105 नंबर, 100 अगर नॉर्मल भी लेकर जाए, नॉर्मलाइजेशन करके भी करा जाए तो 90 नंबर मुमकिन।
कहीं भी संभव नहीं है 90 नंबर। आप ऐसा यदि बच्चा है 90 नंबर लाने वाला तो चेन्नई बोर्ड में जाके क्यों भर रहा है, अजमेर बोर्ड से भरे क्यों, क्रूबड़ी की तैयारी करेगा क्यों, वो 110 नंबर लाने वाला बच्चा आरएस नहीं बनेगा क्या, क्रूबड़ी की तैयारी करेगा। इतना इजी है पेपर, आपको लगता है इतना इजी है, इतना इजी पेपर नहीं है सर। अच्छे किसी बच्चे के पढ़ने नंबर पढ़ रहे, किसी बच्चे के सारे जो बच्चे हैं ग्रामीण परिवेश से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से तैयारी करते हैं, उसके बाद में ये धांधली होती है तो बिल्कुल गलत है। हमारा इतना ही कहना है कि जो एग्जाम रिजल्ट जो निकाला है उसको दोबारा निकाला जाए और सेकंड तब करें तब पहले इसका दोबारा निकलेगा तब, ये नहीं कि मतलब कि डायरेक्ट सेकंड कर दिया ये कर दिया ऑनलाइन में, ये नहीं कि तीन बच्चों का हमको पता है, कंप्लीट 30 से 35 मार्कशीट ऐसी है जिसमें 0 1 नंबर माइनस में सिलेक्शन हुए, ये कोई औचित्य नहीं है, इसका जवाब दे सरकार। ये है कि आप जो ये रो मार्क्स आए होते हैं, कच्चे मार्क्स आए होते हैं कि आपके ये नंबर आए और नॉर्मलाइजेशन के बाद ये मार्क्स बनते हैं, आप दोनों को शो करो कि आपने कौन से नियम के तहत जो है लोको पायलट के अंदर जैसे आपने किया था कि रो मार्क्स यदि 23 है तो उसके नॉर्मलाइजेशन के बाद आपने 46 कर दिया 45 कर दिया जो भी, उस प्रकार से शो करो, ये नहीं कि डायरेक्ट आपने नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है दिखा दिया। इस प्रकार करने से हम ये समझते हैं कि आप कहीं मर्जी वाड़ा हो रहा है, सीधा मर्जी वाड़ा हो रहा है, जानते नहीं क्या हो रहा है, मर्जी वाड़ा है बच्चों, क्या हो रहा है, सीधा पता है, क्लियर पता है, एग्जाम पे सेंटर पर लड़के बैठते हैं, स्क्रीन आराम से स्क्रीन को देखते हैं बाहर सेंटर के बाहर ओपन हुई है, अखबार में आइए लेकिन उसका कोई भी मुद्दा नहीं उठाया गया, आर्या पता है, आर्या कॉलेज आ रही है, आनंद कॉलेज पटना के सेंटर पे धांधली हुई है, अखबार में आइए कोई मुद्दा नहीं उठाया, उस पर कोई स्टूडेंट होगा आपके बीच में जिनके साथ जिनके मेरे हमारा निवेदन है इन बच्चों के साथ में धोखा नहीं किया जाए, बिल्कुल फर्जीवाड़ा नहीं किया जाए, ये जो बच्चे मेहनत करते हैं इनको साफ सुथरा रिजल्ट निकाला जाए, मीडिया हमारा साथ, मीडिया हमारा साथ दे रही है, पुलिस प्रशासन हमारा साथ दे रही है और हमारे पूरे बच्चे हम सबके साथ में है और हम यही चाहते हैं यदि इन बच्चों के साथ यदि न्याय नहीं होता है तो हम आपको ये बता देते हैं कि आगे क्या होगा उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। आज तो हम बड़े प्यार से प्रेम से यहाँ पर धरना पे बैठे हैं।